हेलो रिवान, आज हम इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम सिटी या फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में स्कूल में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में स्कूल के अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। चाहे वो स्टूडेंट जामिया के क्लास 6, 9 या 11 में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर एमयू के अंदर क्लास 1, 6, 9 और 11 में एडमिशन लेना चाहते हो, बेसिकली इस वीडियो में हम स्कूल के फॉर्म्स के अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। कई स्टूडेंट गार्जियन या पेरेंट्स का बार बार क्वेरी जा रहा था फॉर्म्स कब आएंगे और एंट्रेंस कब होगा, इन सब के बारे में और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो अब अपडेट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे और आपको तैयारी कैसे करना है इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे, आप जिस भी क्लास के लिए। तो अभी तो सबसे पहले फ़िलहाल हम जामिया की वेबसाइट पर चलना चाहेंगे jmicue.in और हम पहले स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं जामिया का, देन फिर एमयू के बारे में बताएंगे। फिलहाल यह है कि अभी आपका फॉर्म नहीं आया है, कई लोगों का ये लग रहा है कि फॉर्म आ चुका है, बट मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि अभी स्कूल का फॉर्म नहीं आया है। किसका? जामिया का। फिर सवाल है कि फॉर्म कब आएंगे, तो फॉर्म इनके ठीक आने वाले मंथ यानी कि 24 में मार्च के मंथ में आपके फॉर्म्स आ सकते हैं। एटलीस्ट 1 मंथ आपको टाइम मिलेगा फिल करने का। और एंट्रेंस की बात करें तो मिड अप्रैल से एंड अप्रैल या मई के फर्स्ट वीक तक आपके एंट्रेंस होंगे। कौन कौन सी क्लास का? क्लास 6, 9 और 11 का। 11th में भी इनका साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स का सेपरेट एंट्रेंस होता है जामिया के अंदर। इसके अलावा प्री नर्सरी और क्लास फर्स्ट में जो एडमिशन होता है वो लॉटरी के थ्रू होता है। तो मेरे ख्याल से स्कूल एडमिशन का प्रोसेस समझ में आ गया। 6, 9, 11 में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। प्री नर्सरी फर्स्ट में लॉटरी सिस्टम के थ्रू एडमिशन होता है। लॉटरी फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, फिर ऑनलाइन जो है लॉटरी लगते हैं और उसके बाद जिन बच्चे का सिलेक्शन होता है उनको जामे में एडमिशन मिलता है। ये बेसिकली मैंने स्कूल के बारे में, वो भी जामे स्कूल के बारे में बताया। अब इसके बाद आते हैं एएमयू के बारे में थोड़ा सा। एएमयू के लिए आपको एएमयू का ऑफिशियल वेबसाइट आप जानते ही होंगे, एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर है। सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च कर लेना हो एम एग्ज़ाम कंट्रोलर। ये बात भी ऐड कर दें कि जो स्टूडेंट जामिया का फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनको jmicue.in वाले वेबसाइट पे जाकर चेक करते रहना कि फॉर्म आया या नहीं। हालांकि आएगा तो इस चैनल पे आपको ज़रूर बताया जाएगा, बट फिलहाल ना ही एमयू और ना ही जामिया का ही फॉर्म आया खासकर स्कूल का। तो स्कूल का डिटेल चेक करने के लिए जब आप एमयू की वेबसाइट पे जाएंगे तो एडमिशन का एक सेक्शन होगा और उस पे एडमिशन के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए स्कूल एडमिशन का आइकन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक कर लेने के बाद आप इसके स्कूल के वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कुछ गाइडलाइन या कई स्टूडेंट का। अच्छा एक बात और, खैर वो हम बात करेंगे। तो अगर एमयू के अंदर स्कूल में बात करें तो क्लास 1, 6, 9 और 11th में भी साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स का नाम से होता है। एमयू में जो 11th का जो पेपर होता है ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स के नाम से एक पेपर होता है और एक 11th साइंस एंड डिप्लोमा का एक पेपर होता है। तो आपके चॉइस है, आप या तो डिप्लोमा अप्लाई करिए 11th साइंस, तो यानी दो पेपर होगा, एक 11th साइंस का एक होगा और ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स का। फिर मेरिट के बेस पे या तो आपको 11th साइंस मिलेगा डिप्लोमा या फिर कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज़ में कोई कोर्स मिलेगा। फर्स्ट का, 6th का, 9th का, इन तीनों का एंट्रेंस होता है, बल्कि 1st, 6th, 9th और 11th का एंट्रेंस होता है। बट 1st, 6th, 9th में एंट्रेंस के साथ साथ आपका इंटरव्यू भी होता है, लेकिन 11th में ऐसा नहीं है। पर याद रखे इन सब में निगेटिव मार्किंग भी है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। वही जामे के स्कूल एंट्रेंस में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, चाहे वो 6th का हो, 9th का हो, 11th का हो, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसमें, और एमयू के अंदर निगेटिव मार्किंग होते हैं, ये फ़र्क है। खैर अब थोड़ा एमयू के फॉर्म के बारे में बता दें। हर साल एमयू का सीन ये होता है कि फॉर्म जो होते हैं वो जनवरी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के आसपास में आ जाते हैं। तो फॉर्म जैसे आएगा इस चैनल पर आपको बता दीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। वही अगर हम फॉर्म के बारे में बताया, एंट्रेंस के बारे में अगर बात करें तो यूजुअली हर साल एमयू का मार्च, मिड मार्च के मंथ में इनका एंट्रेंस होता है। किसका? स्कूल का, मतलब 1st, 6th और 9th का। वही अगर 11th का पेपर की बात करें तो इनका मिड अप्रैल से मई के फर्स्ट वीक में इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है। 11th साइंस एंड डिप्लोमा का पेपर जो फॉर्म आते हैं वो अलग से आते हैं, यानी कि बीए वालों के साथ आता है, यूनिवर्सिटी के साथ आता है, लेकिन 1st, 6th, 9th का जो फॉर्म है वो पहले आता है। फर्क समझ में आया? तो अभी फॉर्म आया नहीं है, बट फॉर्म जो है जनवरी, मिड जनवरी का आसपास फॉर्म आ जाएंगे, और आएंगे तो इस चैनल पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये फॉर्म्स और एंट्रेंस के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं तैयारी, तैयारी कैसे करना है अगर आपको एमयू में चाहिए या फिर जामे में एडमिशन चाहिए। तैयारी करने के लिए 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा। पहली बात ये कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। हमने ऑलरेडी जामे स्कूल का सिलेबस जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप में हम बराबर इंटरेक्ट होते रहते हैं स्टूडेंट के साथ, तो वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा। तो यानी कि सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा जामिया स्कूल का? व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सेंड कर रखा है।
आप पहले ज्वाइन हो जाइए, फिर से हम बीक में एक बार फिर से मतलब फिर से वहाँ पे रीसेंड कर देंगे। ये हो गया आपका सिलेबस का। एएमयू का भी सिलेबस वही है जो जेएमआई का सिलेबस है। जो जेएमआई का जो सिलेबस है वो एएमयू का दोनों का लगभग कॉमन है, कोई अलग नहीं है। हालांकि एएमयू का भी सिलेबस हम आपको कोशिश करेंगे वहाँ पर प्रोवाइड करा दें। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिएगा तो काफ़ी सारे वहाँ पर हेल्प मिल जाएंगे। पहला आपके पास सिलेबस होना चाहिए, दूसरा पीवाईक्यू होना चाहिए। एटलीस्ट आपके पास 5 से 6 सालों का पेपर होना चाहिए जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं। पेपर इसलिए होना चाहिए ताकि आप पेपर पहले तैयारी से पहले आप 5 साल का पेपर सोल्व करेंगे और ये आइडिया लेने की कोशिश करेंगे पेपर में क्या पूछ रहा है, और फिर आपको वहाँ से कई सारे वेबसाइट्स और ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें। तो पहले आप 5 साल का पेपर सोल्व करेंगे, इसके बाद तीसरी चीज़ एनसीईआरटी बुक जो है उसको प्रीफर करेंगे। उसके साथ साथ कोई भी प्राइवेट बुक जो होता है या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले कोचिंग या कॉलेज वाले चलाते हैं वो बुक, बस इसके अलावा अगर गाइड ले सकते हैं तो काफ़ी, वरना वो भी मत लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं। उससे ज़्यादा सही है कि वेबसाइट में जो एमसीक्यू होता है उसको और एनसीईआरटी बुक के साथ साथ कोई भी प्राइवेट बुक को रीड करिए, बहुत काम की चीज़ है ये। इसके अलावा आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन करना होगा, जितना ही प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। लेकिन याद रखें इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी और कोई भी एक प्राइवेट बुक आप फॉलो कर सकते हैं, वेबसाइट इसलिए यूज़ करिएगा ताकि वहाँ से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा एट द एंड में मैं ये भी बता दूँ, जिस भी स्टूडेंट को एएमयू या जामिया हो गया, खासकर अगर हम बात करें 6 और 9 का, तो फ्रेश बैच स्टार्ट किया जा रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वही अगर जामिया की बात करें, यानी 6 9 का एएमयू बोथ एएमयू जामिया दोनों के लिए रहा। वही अगर 11th में साइंस आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स एंड डिप्लोमा, चाहे वो एएमयू का है या जामिया, इन सब के अगर तैयारी करना चाहते हैं, फ्रेश बैच स्टार्ट किया जा रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस व्हाट्सअप नंबर से आप डिटेल ले सकते हैं और आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं बड़े ही अफोर्डेबल और नॉमिनल चार्ज पे। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डॉट्स क्वेरी होगा कमेंट कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, अल्टीमेटली आपको ही फायदा होगा। जो व्हाट्सअप ग्रुप मैंने बताया है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी नोटिस अपडेट्स आएगा तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।